अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। दुआ है कि सब लोग सेहतमंद रहें और अल्लाह की अमान में रहें। आमीन सुमान। तो आज के व्लॉग को करते हैं हम शुरू। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक ब्यूटी टिप, कह लें आप, होम रेमेडी कह लें। ऑलिव ऑयल, इसके तो बहुत फ़ायदे हैं, आपको पता ही होगा, बेशुमार फ़ायदे अल्लाह ताला ने इसमें रखे हैं, जिसको हम उर्दू में कहते हैं जैतून का तेल। उसके बाद है हमारे पास ब्राउन शुगर और है फिर कॉफ़ी। सिर्फ तीन इंग्रेडिएंट्स से बनाएंगे हम एक पेस्ट और उसको हम अप्लाई करेंगे अपनी स्किन पे। कॉफ़ी, आपको पता है कॉफ़ी का जो बीज होता है वो, अगर आप वो क्रश हो या बहुत ज़्यादा बारीक सी भी हो, दोनों ही फॉर्म में आप कॉफ़ी को ले सकते हैं और कॉफ़ी स्किन के लिए भी बहुत अच्छी है। तो अब हम बनाएंगे इन तीनों इंग्रेडिएंट्स का एक पेस्ट। एक चम्मच हम लेंगे कॉफ़ी, एक चम्मच हम इसमें ऐड करेंगे ब्राउन शुगर, और एक चम्मच ऐड करेंगे हम इसमें जैतून का तेल और इसको हम कर लेंगे मिक्स। आप चाहें तो इसमें हनी भी ऐड कर सकते हैं और इसका पेस्ट बना लें। ये कोई बिल्कुल क्रीमी नहीं होगा क्योंकि ज़्यादा कॉफ़ी जो है थोड़ी मोटी है ये, और आप इसमें चाहें तो पानी भी ऐड कर सकते हैं और शहद भी ऐड कर सकते हैं। एज ए स्क्रब यूज करते हैं। देखें, इसको 5 मिनट हमने मिक्स किया तो इसकी शक्ल ऐसी हो गई है। इसको आप 5 से 10 मिनट्स कहीं भी जाने से पहले अपने फेस स्किन पे अप्लाई कर सकते हैं और हाथों पे, पैरों पे आप बहुत आराम से इसको लगाएं और 10 मिनट बाद आप, कम से कम 10 मिनट बाद आप अपना फेस वॉश कर लें। वैसे आप इसको आधा घंटा भी लगा सकते हैं और ऐसा ऐसा इसको रब कर फिंगर टिप्स की मदद से आप इसको रिमूव करें और उसके बाद वॉश करें, क्योंकि इसमें ऑलिव ऑयल और कॉफ़ी के। वैसे तो ये ऑल स्किन टाइप्स के लिए बेस्ट है, लेकिन जो खासतौर पर ड्राई स्किन वाले हैं वो लगाएं। इस कॉफ़ी से एक ग्लो आता है फेस पे, आप नोटिस कीजिएगा जब आप कॉफ़ी यूज़ करते हैं। कॉफ़ी को आप किसी भी चीज़ में ऐड करके, जैसे अब ये तो ब्राउन शुगर और जैतून का तेल के साथ है, लेकिन आप अगर एग वाइट के साथ भी कॉफ़ी को इस्तेमाल करते हैं तो उसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा आता है। अब देखिए, मैं हाथ पे अप्लाई करूँगी, आप फर्क देखिएगा। एक हाथ पे हम लगा रहे हैं, इसको अप्लाई करते वक्त आपने रिंग्स वगैरह जो है उतार दें, उसके बाद फिर आप इसको अपने हाथों पे अप्लाई करें। देखें, इसको हाथ पे लगा रहे हैं, एज स्क्रब हम इसको यूज करेंगे। बिल्कुल स्लो स्लो हमने इसका मसाज टाइप करना है, बिल्कुल आराम आराम से इसको आप स्किन पे अप्लाई करें। ये देखें, 10 मिनट बाद हम अपने हाथ को वॉश कर रहे हैं, क्योंकि इसमें जैतून का तेल ऐड किया है तो ये ऑयली हो रहा है, लेकिन इसको हम टिश्यू पेपर से साफ कर लेंगे। कहीं भी शादी में जाने से पहले आप बहुत आराम से इस स्क्रब को अप्लाई कर सकते हैं फेस पर, जस्ट 10 से 15 मिनट्स कम से कम आप इसको अप्लाई करें फेस पे, और जो है इसको रिमूव करने के बाद, वॉश करने के बाद आप बहुत आराम से अपना मेकअप अप्लाई करें और यू विल फील ग्लो
ये देखें वॉश करने के बाद आप फ़र्क देख सकते हैं। हमने इस वाले हैंड में स्क्रब अप्लाई किया था, इसकी स्किन बहुत सॉफ्ट हो गई है, बहुत ज़्यादा क्लीन हो गया है। अभी आपको शायद फील ना हो रहा हो, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि इस हाथ में और उस हाथ में बहुत फ़र्क है। तो आप इसको ज़रूर अप्लाई कीजिए, और आप चाहें तो पहले अपने हाथों पे अप्लाई कर लें, पैरों पे अप्लाई कर लें, जब आप खुद मुतमईन हों तो फिर आप इसको अपने फेस पे अप्लाई कर लें। लेकिन इस वक्त माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा ग्लो कर रहा है और बहुत अच्छा जो है मुझे फील हो रहा है। ये इसको जो है इसमें सॉफ्टनेस आ जाएगी और आपका जो है फेस या हाथ जो है वो ग्लो करेगा, क्योंकि इसमें कॉफ़ी ऐड है। चलें जी, फिर मिलेंगे किसी नए व्लॉग के साथ, किसी नई रेमेडी, किसी नए ब्यूटी टिप्स के साथ। जब तक के लिए हमें इजाज़त दें, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। इनसे कहो ना सब्सक्राइब करें, प्लीज़ सब्सक्राइब और चैनल सब्सक्राइब लाइक शेयर सब्सक्राइब।